दरभंगा में लूटपाट की घटना दिन प्रतिदिन आम होती जा रही है। बीते कुछ दिनों में इसमें तेजी से उछाल आया है। प्रशासन की चौकसी के बावजूद अब दिन दहाड़े अपराधी सरेआम लोगों को लूट रहे हैं। इन घटनाओं से शहर व ग्रामीण इलाके के लोगों में दहशत फैल रही है। विशेष रूप से व्यवसायिकों में इसको लेकर चिंता बढ़ गई है। ताजा मामला शुक्रवार का है। दिल्ली से दरभंगा जंक्शन पहुंचे मधुबनी निवासी जव्वाद अली डकैतों के हत्थे चढ़ गए। प्रीत ने घटना की जानकारी देते हुए कहा है कि वो जंक्शन से टेम्पू लेकर दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड पहुंचे। वहां से बस लेने के क्रम में कार से कुछ लोग आए और उन्हें उनके गांव तक छोड़ देने का भरोसा देकर ले गए। रास्ते में कोल्ड ड्रिंक पिलाया, जिसके बाद प्रीत बेहोश हो गया और अदलपुर पुल के निकट प्रीत को फेंक कर चले गए। जब लोगों की नज़र इस पर पड़ी तब जाकर इनके परिजनों को सूचना दी गई। फिलहाल प्रीत DMCH में भर्ती है। यूनिवर्सिटी थाना द्वारा प्रीत का बयान दर्ज कर लिया गया है। आपके साथ कैसे ये घटना घटी, कुछ बता पाएंगे? अभी आप होश में हैं? जी, ये कैसे हुआ ये आपके साथ ये घटना? एक्चुअली मैं न्यू दिल्ली से बिहार के लिए ट्रेन से संपर्क कराते से आ रहा था और मेरे पास लगेज था, एक बैग और एक कंबल ब्लैंकेट। तो मैं दिल्ली से उतर के ऑटो लेके मैं यहाँ पे आया, बस स्टैंड पे आया। तो बस स्टैंड पे आके खड़ा होने के बाद मैं बस का वेट कर रहा था। रास्ते में एक कार मेरे पास रुकी और कार से एक आदमी बाहर निकला और कहा कि कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मुझे फुटपराज से आना है। तो चलिए फुटपराज से भी जा रहा है। मैंने कहा लेकिन आप लेंगे कैसे फुटपराज से लेंगे? उन्होंने कहा लेना देना छोड़िए, आप चलिए लेन बैठ जाइए। हमारा एक भाई भी दिल्ली से आ रहा है, उसको लेके जाना है, तो आप भी साथ में चले जाए। तो फिर बाद में पता चला कि वो गाड़ी एक हफ्ते की ही थी, हत्या ही जा रही थी वो गाड़ी में। तो मैं जो है इत्मीनान से बैठ गया, कब तक हत्या गाड़ी जा रही है, जान पहचान के लोग हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। गाड़ी रुकी है ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने के लिए। तो कहाँ पे रुकी थी? 10 मिनट के बाद एडेंट चौक है, वहाँ पे जहाँ पे बसें रुकी है, जगह याद नहीं है मुझे। वहाँ से जो कोल्ड ड्रिंक ली और फिर सब ने कोल्ड ड्रिंक पी और फिर गाड़ी चल रही है। गाड़ी चलने के बाद ऐसे बातें होती रही, खबर खैरियत होती रही, इतने में मुझे नींद आने लगी और उसके बाद से मैं बेहोश हो गया। और उसके बाद से जो हुआ वो मुझे मालूम नहीं। जब उतारा बस नीचे उतारा, नीचे आते टाइम मुझे याद आ रहा था कि मुझे उतार रहे हैं वो लोग। मैंने कहा भी उनको कि मेरी जगह पर चढ़ा दो, यहाँ कोई नहीं है मेरा बेटा। तो ये कोल्ड ड्रिंक जो आपको मिला, वो लोग ही रुके थे कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए? हाँ। तो फिर आप उसको कैसे ले लिया? उन्होंने कोल्ड ड्रिंक ला के खरीद के मुझे दी और मेरे पीछे जो एक गेस्ट बैठे थे उनको भी दी। अच्छा। उन्होंने भी पहले पी लिया, बाद में मैंने पिया। क्या नाम है आपका? जव्वाद। जव्वाद कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी बिहार। मधुबनी बिहार, गांव का नाम? खट्टा। ये अभी प्रशासन की तरफ से कोई आदमी आए, क्या सब हुआ, क्या आश्वासन मिला कुछ? आप उन लोगों को पहचान पाए कोई आदमी का चेहरा? चेहरा देख लूँगा, सामने आ जाएगा तो पहचान लूँगा। कोई गाड़ी नंबर सब नहीं देख पाया? गाड़ी नंबर तो नहीं देख पाया। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी छोटी सी ऑटो टाइप की थी। आप हैं? ये आपके कौन होंगे? हाँ, ये बड़े भाई। अच्छा, आपसे बड़े भाई हैं। तो ये आपको कब खबर मिली? ये एक्चुअली जब ये वहाँ दरभंगा स्टेशन पे उतरे तो उन्होंने कहा कि मैं कार पे बैठ गया। फिर उसके बाद हम लोगों को खबर जो है, फिर ये शकरी उतरे, शकरी के बाद वहाँ पर कुछ लोगों ने इनको रिसीव करके अपने घर ले गए। फिर वहाँ पे ग्लूकोज दिया, गुस्ल वगैरह भी दिया, इनको कपड़े भी चेंज किए। फिर बाद कपड़ा चेंज करने के बाद 8 बजे के करीब इनको जब होश आया तो लोगों ने पूछा कि कहाँ के हो, नाम बताया। तो जब गाँव का नाम बोला तो गाँव में जो एक नेता है तो उनके यहाँ फ़ोन किया, फिर जा करके हम लोगों को खबर मिली। तो आप लोग यहाँ आए?
हाँ, फिर उसके बाद आप पहले से आए हुए थे मुजफ्फरपुर तक, लोकेशन जो बताया था वहाँ गए हुए थे, फिर वहाँ पे वापस यहाँ आए। तो अभी प्रशासन के तरफ से किन लोगों ने क्या आश्वासन दिया, प्रशासनिक आश्वासन क्या मिला? अभी आ रहे हैं सर, SSP भी आके बयान लेके गए हैं, पुलिस वगैरह क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन थाने से जो लोग हैं वो लोग भी आए थे, बयान लेकर के गए हैं, फिर FIR की जाएगी, उसके बाद देखिए क्या होता है। अभी तक कोई शनाख्त नहीं हो पाई, कोई पहचान नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हम्माद। एड्रेस बता दीजिए पूरा। हम्माद अली 71 मधुबनी बिहार। इनके साथ जो ये घटना घटी है, तो ये आ रहे थे विदेश से, क्या इनके पास क्या सब था जो लूट हो गई है, जैसे कोई कैश हो, सामान सब क्या सब था वहाँ से? कुछ नहीं था, एक बैग है जिसमें 25 केजी है सामान है, इसमें कपड़े हैं, टीवी भी है और उनके इस्तेमाली के कपड़े हैं, और उसके बाद एक हैंड बैग है जिसमें क्या कहते हैं पासपोर्ट है और डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, लैपटॉप है और एक ब्लैंकेट है, यानी कंबल है मलेशिया का, ये वो तीन सामान इनके पास था, तीन में से कुछ नहीं है, जेब में भी जो कुछ पैसे थे तो 400 रुपये थे सिर्फ, कैश ज़्यादा नहीं थे, कुछ नहीं, आधार कार्ड वगैरह पर्स वगैरह सब सब है, आधार कार्ड या फिर कोई पासबुक ATM कार्ड ये सब चीज़ नहीं था, कुछ नहीं, सब कुछ लेके चला गया, यानी ये सब कुछ था, ID भी था, क्या सब था उसमें, डॉक्यूमेंट्स में क्या सब था? डॉक्यूमेंट तो सारे डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID और क्या कहते हैं डॉक्टर के पास पासपोर्ट, सारी चीज़ें, कैश में 400-500 के आसपास, ATM कार्ड भी था उसमें,